25 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिए कई तरह की विशेष योजनाएं लागू की थी, जिसे कांग्रेस ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत महिलाओं को फ्री में मोबाइल फोन बांटे थे, तो वही बीजेपी ने केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, उज्ज्वला योजना और महिला शक्ति केंद्र योजना के जरिए महिला वोटर्स को अपनी ओर लुभाने की कोशिश की थी। लेकिन आपको बता दें, इस बार राजस्थान की 23 सीटों पर महिलाओं ने सबसे ज्यादा मतदान किया है। 23 सीटों की अगर बात करें तो उनमें बांसवाड़ा, धरियावाद, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, दातारामगढ़, लाडनू, ब्यावर, डीडवाना, सोजत, मारवाड़ जंक्शन, बाली, आहोर, सिरोही, सलुम्बर, डूंगरपुर, आसपुर, सागवाड़ा, भीम, कुंबलगढ़, आसीन, मंडावा, खेरवाड़ा, गड्डी जैसी सीटें शामिल है जिन पर महिलाओं ने सबसे ज्यादा मतदान किया है। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो आपको बता दें, उस समय भी महिलाओं ने सबसे ज्यादा मतदान किया था। 2018 में 74.71% वोटिंग हुई थी, जिनमें से महिलाओं का मतदान प्रतिशत 74.67 रहा था और पुरुषों का 73.80% रहा था। वही अगर इस बार हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो 199 विधानसभा सीटों पर 74.62% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है, जिनमें से महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 74.72 रहा और पुरुषों का 74.53% रहा है। प्रदेश में इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है और इसमें भी सबसे ज्यादा वोटिंग महिलाओं ने की है। कहा जाता है, जब भी महिलाएं सबसे ज्यादा मतदान करती है तब सत्ता जरूर बदलती है। तो अब देखने लायक ये होगा कि इस बार महिलाओं के ज्यादा मतदान करने से सत्ता बदलेगी या नहीं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। मैं सिद्दीका मनोहर आपके साथ, शुक्रिया।